शरण सिंह, वो नाम जो महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप झेल रहे हैं इन साहब का घमंड जो है ना दोस्तों ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है पता नहीं क्यों अभी भी जेल झेल रहे हैं पूरा मामला जिनके खिलाफ मामला भी अभी भी कोर्ट में चल रहा है इन्होंने फिर महिला पहलवान खिलाड़ियों और बाकी कुश्ती खिलाड़ियों को लेकर उनको घेरना चाहा और उसके लिए बाकायदा एक बयान भी जारी कर दिया दोस्तों या आप कह सकते हैं इंटरव्यू दिया है हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो बयान दिया है वो बिना पलटवार के खाली जाने दिया गया शरण सिंह को साक्षी मलिक ने तगड़ा जवाब दिया है पलटवार किया इनके बयान पर यह जवाब सिर्फ ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए नहीं है बल्कि ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है जो जिसने इस संसद को अभी तक हटाया नहीं है साक्षी मलिक ने क्या जवाब दिया है और इन साहब ने इंटरव्यू में ऐसा क्या कहा है दोनों इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें एक चैनल के साथ ब्रिजभूषण के इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है इस वीडियो में ये साहब बहुत अटपटा बयान देते हैं आपको मैं बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर उनका बयान दिखा रही हूं स्क्रोल करके आपकी स्क्रीन पर चल रहा है दोस्तों ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं कहते हैं कि जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे आज हरियाणा में जाकर देखो उनकी क्या इज्जत है साहेब उनको कोई बुलाता तक नहीं है फॉलोअर्स घट गए हैं जाते थे तो पांच लाख की विदाई होती थी उनकी आज किसी कार्यक्रम में बुलाए नहीं जाते हैं हमारी नहीं घटी उनकी इज्जत खट गई हमको तो हरियाणा से बुलावा आता है जाते हैं हर जगह से बुलावा आता है, जाते हैं, क्योंकि मैंने फेस किया मैंने फेस किया पहले लगता था कि नहीं उसमें सच्चाई नहीं है लेकिन अब लगने लगा है लोगों को कि सच्चाई है मीडिया वही मीडिया जो लगभग चार से पांच दिन सात दिन मेरे खिलाफ थी वो मीडिया भी छह सात दिन के बाद पलट गई क्योंकि वो मीडिया भी कहने लगी कि भाई कि कुछ तो लेकर आओ तो ये बयान दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बयान में उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है दोस्तों जो मैं आपको नहीं बता रही हूं हालांकि साक्षी मलिक ने इनके बयान को खाली नहीं जाने दिया साक्षी मलिक ने क्या कहा अब ये सुन लीजिए वो कहती है कि इस देश का दुर्भाग्य ये है कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जो सेक्सुअल हेरेसमेंट की सर्वाइवर्स का खुलेआम ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं ये ऐसे अपना गुणगान गा रहे हैं जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो हरियाणा में जनता के बीच गए तो जनता आपको जवाब देगी एक बार ऐलान करके लोगों के बीच में तो आओ सही खैर जेल जा, जेल जाने से पहले इतना बौखलाना नहीं चाहिए ब्रिजभूषण शरण सिंह अब यहां इनको जेल भेजने की खुली चुनौती दे दी साक्षी मलिक ने वजह क्या है क्योंकि अभी ये जो पूरा मामला है दोस्तों कोर्ट में चल रहा है दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सांसदूषण शरण सिंह पर लगे महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में में सुनवाई 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 हुई हुई थी। थी। बीते दिनों हुई थी। उस महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में दोस्तों अगली सुनवाई जो है 6 दिसंबर को तय की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें पहलवानों की तरफ से वकील हर्ष बोरा ने लिखित दलील जो है दाखिल की 6 दिसंबर को लोक अभियोजक अपना पक्ष रखेंगे छह दिसंबर को ही आरोप जो है वो तय हो सकते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों की तरफ से यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोप तय करने पर बहस की सुनवाई के लिए अट्ठाईस नवंबर की तारीख तय की गई थी उसके बाद अब अग... छह दिसंबर की तारीख तय की गई है अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने पिछली सुनवाई के दौरान मामले में वकीलों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था और पक्षों के समक्ष इस बात पर जोर दिया था कि दलीलें व्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएंगी तो एक तरफ मामला अभी कोर्ट में चल रहा है इनको राहत नहीं मिली है दोस्तों इससे पहले आपने ये सुना होगा हमने आपको इससे पहले जितनी भी इस पूरे मामले से जुड़ी खबर बताई है हमने आपको बताया है कि दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कितनी आक्रामक नजर आ चुकी है दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि उसके बाद सारे सबूत है और वो ये सबूत कोर्ट में पेश कर सकती है चार्जशीट लेकर दाखिल हो चुकी है और उस में साफ साफ मेंशन है कि जो आरोप महिला पहलवान खिलाड़ियों ने लगाए थे उसमें सच्चाई है या फिर नहीं है आप एक बार उस चार्जशीट को उठाकर पढ़ लीजिए आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि साहब जो कह रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है तो खुलेआम इंटरव्यू में कैसे झूठ बोलना है भारतीय जनता पार्टी शायद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी शायद दूसरे सांसदों को सिखा रहे हैं कि कैसे झूठ बोलना है आप इंटरव्यू में बैठिए और देखिए कि किस तरीके से किस हिम्मत के साथ झूठ बोला जाता है ऊपर से कह रहे हैं कि पहलवानों को कोई नहीं भूलता पहलवानों को कोई नहीं पूछता आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी ये जितने भी महिला पहलवान खिलाड़ी या कुश्ती पहलवान खिलाड़ी है ना इंटरनेशनल गेम्स में खेल चुके हैं और हमारे देश को बार बार गौरव कपल दे चुके हैं हमारे देश के लिए एक से एक मेडल लेकर आ चुके हैं तो इनको कौन पूछता है कौन नहीं पूछता ये शायद देश भी बेहतर जानता होगा और दुनिया के कई देश बेहतर जानते होंगे जब इन्हीं सासद साहब की किरकिरी हुई थी इनके ऊपर जब आरोप लगे थे और तमाम महिला पहनवान खिलाड़ियों का रोने का वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों तो ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब को कितनी तारीफों से नवाजा गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है तो कहीं ना कहीं अब ये जो साहब हैं ये अपने बयान में खुद ही फंस गए हैं साक्षी मलिक ने भी बयान दे ही दिया है आगे जब कोर्ट का फैसला आएगा तो पता चल ही जाएगा कि इनके बयान में दम है या फिर नहीं दोस्तों आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में तब तक तो के लिए नमस्कार